हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत स्पेशल, बहुत ही टेस्टी और अलग रेसिपी। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना वड़ा या साबूदाना अप्पम बिना ऑयल के। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना आधा कटोरी साबूदाना भिगो दिया है और आधा कटोरी मूँगफली को इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें सेक लेना है। सेकने के बाद सारी मूंगफली के छिलके हटा लेना है। देखिए, इस तरह से हमें सारा छिलका हटा के और मूंगफली को हमें पीस लेना है। अगर आप बिना छिलका हटाए हुए पीसे तो चल सकता है। ये मैंने हटा लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बाउल में। देखिए इस तरह से, और साबूदाना भी हमारा भीग के तैयार है। इसका पानी सारा अलग कर दिया है। साबूदाने को भी मिक्सी के जार में डाल के हमें पीस लेना है। ध्यान रहे, साबूदाने को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। 2 से 3 सेकंड के लिए ही मिक्सी चलानी है। देखिए इस तरह से हमें साबूदाने को दरदरा सा पीसना है। ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमें कर लेना है कद्दूकस। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज नहीं करना होता। अगर आपको साबूदाना की खिचड़ी या खीर पसंद नहीं है तो आप इस तरह से साबूदाने के अप्पम बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे। आलू को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक ऐड किया है और 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से या हाथ से। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए इस तरह से हमें इनसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ना ही तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता और ना ही ज़्यादा ऑयल यूज करना। अब दूसरी तरफ गैस पे हमने रख लिया है अप्पम मेकर, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें बनाना है। अब जो हमने अप्पम का बैटर तैयार किया था वो बिल्कुल देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इस तरह से हमें अप्पम मेकर में चम्मच से या हाथ से अप्पम रखना है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी झटपट व्रत स्पेशल नाश्ता बनके तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको खिचड़ी या साबूदाने की खीर पसंद नहीं है तो इस तरह से आप अप्पम बना के फटाफट जल्दी से खा सकते हैं। देखिए इसी तरह से, अगर आपको साबूदाना नहीं भिगोना है, नहीं भिगोया तो आप साबूदाने को 2 से 3 मिनट तक के लिए सेक के और उसे पीस के फिर इसके अप्पम बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमने एक तरफ से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। जब एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से भी हमें इन्हें उलट पलट के इस तरह से सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला ये व्रत स्पेशल नाश्ता, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से हमें दूसरी तरफ से भी उलट पलट के अच्छे से इन्हें सेक लेना है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा व्रत स्पेशल नाश्ता बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसी तरह से हमें सेक लेना है उलट पलट के और तैयार है हमारे साबूदाना अप्पम या साबूदाना वड़ा बन के तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे साबूदाना वड़ा, साबूदाना अप्पम। देखिए कितना अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।